साइमन कमीशन का गठन किया गया था और इसके खिलाफ जिस तरह भारतीय उद्योग जगत उस समय लामबंद हुआ वो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक और प्रेरणादायक घटना थी। अपने हितों से ऊपर उठकर जगत ने साइमन कमीशन के गठन के खिलाफ आवाज उठाई थी। जैसे उस समय भारतीय समाज का हर अंग राष्ट्रहित के आगे राष्ट्रहित को लेकर के आगे आया, वैसे ही भारतीय उद्यमियों ने भी अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाया। भाइयों और बहनों, जैसे 90 साल पहले सामान्य मानवीय अपनी दैनिक जिम्मेवारियों के साथ साथ देश की जिम्मेवारियों को उठाने के लिए आगे आया, वैसा ही दौर फिर एक बार हम सबके सामने आया है। इस समय देश के लोगों की आशाएं आकांक्षाएं जिस स्तर पर है, और मैं समझता हूं उसे आप भी भलीभांति समझ सकते हैं। लोग देश की इन आंतरिक बुराइयों से, भ्रष्टाचार से, काले धन से परेशान हो चुका है, उसे छुटकारा पाना है। और इसलिए आज हर संस्था, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या फिक्की जैसा औद्योगिक संगठन, उसके लिए ये मंथन का समय है कि वो देश की आवश्यकताओं और देश के लोगों की भावनाओं को समझते हुए अपनी भावी रणनीति कैसे बनाएं।